शिवपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था जिसमें कमलेश, उसकी माँ और उसकी बहन रहती थी। कमलेश के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। कमलेश की माँ और बहन बहुत ही बुरे और निर्दयी स्वभाव के थे। कुछ दिनों बाद कमलेश की शादी पास के गांव की कीर्ति नाम की लड़की से हुई। कीर्ति दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के बाद जब कीर्ति की मुंह दिखाई की रस्म होती है तो मोहल्ले की सभी औरतें कीर्ति की खूब तारीफ करती हैं। अरे कितनी सुंदर बहू लाई हो कमलेश की माँ, नैन नक्श कितने अच्छे हैं इसके। उस औरत की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी कमलेश की बहन कहती है, सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता, लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। वो तो बाद में पता चलेंगे ना कि चेहरे की तरह लक्षण भी अच्छे हैं या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, हम फिर से आएंगे देखने कमलेश की माँ तुम्हारी बहू को। इतना कहकर वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। कमलेश और कीर्ति भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद कमलेश की बहन अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हारी बहू के तो चारों तरफ गुणगान हो रहे हैं, इतनी भी खूबसूरत नहीं है तुम्हारी बहू, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। सही कह रही है बेटी तू, हमें तो बिना पैसों के एक काम वाली मिल गई, अब हमें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों माँ बेटी मिलकर कीर्ति से बहुत सारा काम करवाने लगते हैं। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह कमलेश चिल्लाते हुए कहता है, माँ कीर्ति को बोलो मुझे खाना दे, काम पर जाने में बहुत देर हो रही है। सच कहूँ बेटा, बहुत आलसी बीवी लाया है तू, सारा खाना तो मैंने ही बना दिया लेकिन उससे परोसा भी नहीं जा रहा है, तो रुक मैं देखती हूँ। बहू कहाँ है? इतना बोलते बोलते कमलेश की माँ रसोई तक चली जाती है और कीर्ति को डांटते हुए कहती है, क्यों री अभी तक खाना नहीं बना? बन गया सासू माँ, बस मैं लेकर ही आ रही थी। तू खाना लेकर मत जा, वैसे भी उसे बहुत गुस्सा आ गया है, ला मुझे दे मैं देकर आती हूँ। इतना कहकर कमलेश की माँ खाना लेकर खुद अपने बेटे को देने जाती है। ये लो बेटा खाना, तेरी पत्नी के पास अभी टाइम नहीं है, बोल रही थी कि अपने बेटे को बोलो खुद आकर खाना ले जाए, मैं देने नहीं आऊंगी इसलिए मैं ही लेकर आ गई। अपनी माँ की बात सुनकर कमलेश को गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी वहाँ बैठी कमलेश की बहन ने भी आग लगाने के लिए कुछ बोला। सच में क्या माँ, वो ऐसे बोली तुमको? बाप रे बाप, नई नवेली दुल्हन है और तेवर तो देखो। ये क्या बात हुई, जरा कीर्ति को बुलाना तो, उसको मैं अभी बताता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे काम पर जाते वक्त अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। उसके बाद कमलेश खाना खाकर काम पर चला जाता है और कमलेश की माँ और बहन एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों माँ बेटी मिलकर कीर्ति पर खूब अत्याचार करते हैं। पूरे दिन कीर्ति से कोई ना कोई काम करवाते ही रहते थे। इसी तरह एक दिन कीर्ति बहुत सारे बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ पर दोनों माँ बेटी बहुत सारे कपड़े लेकर आते हैं और माँ कहती है, ए लड़की पूरा दिन क्या बर्तन धोती रहेगी, और कुछ काम नहीं करेगी क्या? तुम्हें मालूम नहीं है माँ, ये तो पूरा दिन यही सोचती रहती है कि काम से कैसे बचा जाए, बर्तन धोती रहेगी तो बाकी के काम नहीं करने पड़ेंगे, यही सोचा था ना भाभी तुमने। दोनों माँ बेटी की बात सुनकर कीर्ति कहती है, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है सासू माँ। अच्छा, और ये इतने सारे कपड़े क्या तेरे मरे हुए माता पिता आकर धोएंगे? ये ले सारे कपड़े, अभी के अभी धो। कीर्ति चुपचाप सारे कपड़े उठाने लगती है। सासू माँ ये तो बहुत सारे कपड़े हैं। ज्यादा कपड़े कहाँ हैं? और अगर है भी ज्यादा तो क्या हुआ, तेरा शरीर कोई मोम का बना हुआ नहीं है कि ज्यादा काम करेगी तो पिघल जाएगी, चलो फटाफट धो इन्हें। बेचारी कीर्ति वो सारे कपड़े धो देती है। कपड़े धोते धोते उसे शाम हो जाती है, इतना सारा काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। रात को जब उसका पति कमलेश घर आता है तो वो कीर्ति का हाथ देख लेता है। अरे कीर्ति तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? कीर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कुछ ना कह पाई। कमलेश को कुछ अजीब लगा। रात को सोते वक्त बिस्तर पर कमलेश ने कीर्ति से कहा, कीर्ति तुम मेरे घर में खुश तो हो ना, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
नहीं जी, लेकिन बस। लेकिन क्या कीर्ति? लेकिन कुछ नहीं। कीर्ति की ये बात सुनकर कमलेश सो जाता है। फिर कीर्ति मन ही मन सोचती है, इनकी माँ और बहन मुझ पर जो अत्याचार करती हैं, अगर मैंने इनको बताया तो मेरा ये यकीन भी नहीं करेंगे और इनको बुरा भी लगेगा। इतना सोचकर कीर्ति सो जाती है। धीरे धीरे कमलेश की माँ और बहन का कीर्ति पर अत्याचार बढ़ने लगता है। जब भी कमलेश बाहर जाता था, दोनों माँ बेटी मिलकर कीर्ति को खूब सताते थे। घर में कुछ भी काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसको काम में लगाए रहते थे। एक दिन कीर्ति ने घर का सारा काम बहुत जल्दी कर लिया। ठंड का मौसम था, इसलिए वो आग सेकने लगी। तभी वहाँ पर दोनों माँ बेटी आ गई। तू यहाँ बैठकर गर्म हो रही है, और घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? सासू माँ, घर का सारा काम हो चुका है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैंने कुछ लकड़ियाँ जला ली। कीर्ति की ये बात सुनकर कमलेश की बहन कहती है, ओहो, महारानी को ठंड लग रही थी। माँ, आपकी इजाज़त हो तो मैं भाभी को हमेशा के लिए गर्मा गर्म बना दूँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं और कीर्ति की नंद आग में से एक लकड़ी उठाकर कीर्ति का हाथ जला देती है। कीर्ति को बहुत दर्द होता है। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? सासू माँ, आप तो रोके दीदी को, देखिए ना, वो मुझे जला रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी, छोड़ दीजिए ना। कीर्ति की इस बात पर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। कीर्ति को बहुत दुख होता है, उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वो अपना हाथ पकड़कर नदी के पास भाग जाती है। उसका हाथ दुख रहा था, इस वजह से वो बहुत रो रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसे जिंदगी दी है मुझे, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बचपन में मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, ऊपर से सास भी दी, तो ऐसी मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए भगवान, मैं और नहीं जीना चाहती। कीर्ति की ये बात पास में ही बह रही नदी में एक जल देवी सुन लेती हैं। कीर्ति का ये दुख जल देवी से भी नहीं देखा जाता। वो तुरंत प्रकट ले लेती हैं और कहती हैं, तुम कौन हो बेटी? दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम इतना रो क्यों रही हो? बोलो मुझे, मैं जल देवी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। माता, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मैं समझ गई सब कुछ। अब तुम घर चली जाओ। आज के बाद तुम्हें जो भी रुलाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा, देख लेना, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वो जल देवी वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ रात होने की वजह से दोनों माँ बेटी को चिंता होने लगी थी। अरे, कमलेश के आने का टाइम हो गया है, वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई होगी, लगता है भाग गई, पता नहीं कहाँ चली गई ये। वो दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी कीर्ति आते हुए कमलेश की बहन को दिख गई। माँ, वो देखो आ गई महारानी। कीर्ति के घर आने के बाद उसकी सासू माँ बोलती है, आ गई महारानी, कहाँ गई थी तुम, बताओ जल्दी कहाँ गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नदी किनारे अपना मन बहलाने गई थी। हाय राम, कैसी फूटी किस्मत है मेरी, गांव की बहुएं घर से बाहर कदम तक नहीं रखती, मेरी बहू नदी किनारे मन बहलाने गई थी। बाप रे बाप, कैसी आवारा बहू ले आया है कमलेश। ये सब आप क्या बोल रही हो सासू माँ? मैं सही बोल रही हूँ, आने दे मेरे बेटे को, तेरी इस हरकत के बारे में उसे सब बताऊंगी। माँ, दीदी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना कि जिससे मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि आप लोगों को फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। ओहो, तो तू धमकी दे रही है, बेटी जरा जली हुई लकड़ी लेकर आना। तो कमलेश की बहन भागते हुए जलती हुई लकड़ी लेकर आती है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर फिर से कीर्ति को जला देते हैं, जिससे कि कीर्ति को बहुत पीड़ा होती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। कीर्ति की आंखों से जैसे ही आंसू निकलते हैं, वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और कीर्ति की सासू माँ और नंद दोनों उस पानी में डूबने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे, आ आ कोई बचाओ। तभी कमलेश काम पर से घर आ जाता है और अपनी माँ और बहन को इस हालत में देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है, माँ दीदी आप पानी में डूब कैसे रही हैं और यहाँ पानी कैसे आया, क्या हुआ कीर्ति,
माँ और दीदी की ये हालत कैसे हुई? बताओ क्या हुआ? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। ये सब जल देवी की कृपा से हो रहा है। देखो कीर्ति, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। उसके बाद कीर्ति कमलेश को सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद कमलेश को बहुत गुस्सा आता है। छी, कितने गंदे हैं आप दोनों। आप दोनों के साथ सही हो रहा है। एक अनाथ लड़की के साथ आप लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, ये अन्याय है, अन्याय। मुझे बचा ले बेटा, आज के बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा, कभी नहीं सताऊंगी मैं उसको। हाँ भैया, बचा लो हमें। आपको मुझसे नहीं, कीर्ति से माफ़ी मांगनी होगी। अगर कीर्ति आपको माफ़ करेगी तभी आप इस जल माता के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी कीर्ति से माफ़ी मांगती हैं और कीर्ति उन्हें माफ़ कर देती है। कीर्ति जैसे ही उन्हें माफ़ करती है वहाँ से सारा पानी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से डर के मारे ही सही, लेकिन दोनों माँ बेटी में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कीर्ति को रुलाने की। उसके बाद कीर्ति अपने पति कमलेश के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।